मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा उनका मुकाबला भाजपा से। उन्होंने कहा भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भाजपा राज में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार प्रदेश बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा शिवराज सिंह विपक्ष को सांप, मेंढक और बंदर कह रहे हैं। आपके पास हो तो कुछ अपनी उपलब्धियां बताओ जनता को। भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भाजपा ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है। आज मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सांप, मेंढक, मेंढक, बंदर, ये क्या साबित करता है? कितने बौखलाए हुए, ये अपना हिसाब दे, जनता को बोले मैंने ये काम करा आपके लिए, ये तो कह नहीं सकते। कहीं पुलिस का उपयोग कर लो, कहीं प्रशासन का उपयोग कर लो, कहीं पैसे का उपयोग कर लो। ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार सब रिकॉर्ड को बीट कर रहा है। ये डेली बेसिस में भ्रष्टाचार, अगर आप हिसाब लगाएं, जो भास्कर ने कहा, मैंने कह रहा जो भास्कर ने कहा, ये आज आरटीओ की स्टोरी आई है, पर हर विभाग में, मैं कल था मंडला में, वहां मैंने पूछा कि भ्रष्टाचार का क्या हाल है, कहते हैं पैसे दो काम दो, किसी की 50 एकड़ जमीन है वो पैसे दे देता है, उसका नाम गरीबी रेखा में दर्ज हो गया। ऐसी ऐसे भ्रष्टाचार का वातावरण है, ये भ्रष्टाचार प्रदेश मध्य प्रदेश को बना दिया। कमलनाथ ने कहा उनका मुकाबला इस चुनाव में मोदी शिवराज से नहीं, पूरी भाजपा से है। जनता का मुकाबला भी भाजपा से है। ये चुनाव तो शिवराज सिंह जी का है, हाँ, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं शिवराज जी सिंह से चुनाव। मेरा मुकाबला भाजपा से है, जनता का मुकाबला भाजपा से है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।